भारतीय सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में घुटना कूल्हा सहित अन्य ऑपरेशनों को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज या अन्य अस्पतालों में मरीजों को नहीं भेजा जाएगा। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम अब जिला चिकित्सालय में ही इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज हुआ ऑपरेशन किया जाएगा। यह पहली बार है जब जिला चिकित्सालय में तिवारीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक मरीज का सफल घुटने का प्रत्यारोपण किया गया। सरकार लगातार चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर से और बेहतर बनाने में लगा हुआ है। उसी के क्रम में जिला चिकित्सालय में आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर अत्याधुनिक उपकरणों को दिया है, जिससे मरीजों को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समुचित इलाज अब जिला चिकित्सालय में ही हो सकेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबु श्रीवास्तव ने बताया, आज एक मरीज नरगिस बानो करके हमारे पास एडमिट हुई थी, जिनका दोनों घुटना खराब था, जिसमें दाहिने घुटने में दिक्कत ज्यादा थी। वो चलने फिरने में असमर्थ थी और वॉकर के सहारे ही चल पा रही थी। उनका जांच वगैरह कराने के बाद उनको घुटना प्रत्यारोपण की सलाह दी गई थी। उन्होंने जिला अस्पताल में ही घुटना प्रत्यारोपण कराने की इच्छा जाहिर की। अभी तक हम लोग यहाँ पे घुटना प्रत्यारोपण नहीं करते थे क्योंकि सुख सुविधाएं हमारे पास उतनी नहीं थी, लेकिन अब हमारी ऑर्थो की मॉडलर रोटी तैयार है और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन भी हमें शासन से मिले हुए हैं। तो इन सब सहूलियत को देखते हुए आज पहली बार जिला चिकित्सालय में नरगिस बानो का दाहिने घुटने का घुटना प्रत्यारोपण